हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो नंबर 4 एंड दैट इज बेस्ड अपॉन ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड टुडे वी विल बी लर्निंग दैट हाउ कैन वी कंप्यूट इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स। हम लोग आज ये सीखेंगे कि हम लोग इफेक्टिव पैसेंजर्स किलोमीटर कैसे निकाल सकते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वही कैलकुलेशन जो दोनों में अलग है। ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर पहले सीखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाद में सीखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की आज पहली क्लास है, अपने आप में पहली क्लास इस टॉपिक की है, जिसके अंदर हम लोग पैसेंजर किलोमीटर निकालना सीखेंगे। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और सम्स देखेंगे पैसेंजर किलोमीटर के बारे में ही और पैसेंजर्स के रिलेटेड ही, मतलब ट्रांसपोर्ट एजेंसीज विच आर एंगेज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स ऑनली, हम लोग वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दो तरह से काम करती है, पैसेंजर और गुड्स में, जिसकी कॉस्ट यूनिट होती है पैसेंजर किलोमीटर पैसेंजर के केस में और टन किलोमीटर गुड्स के केस में। आज हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलरली पैसेंजर किलोमीटर के बारे में, एक एग्जांपल से समझेंगे चीज़ों को और कंप्यूट भी करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे आज हम लोग। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड करिए, जब तक आप समझते हैं या तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 4 बसेस। कितनी बसें हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास में? 4 बसेस बिटवीन दिल्ली एंड हरियाणा। दिल्ली और हरियाणा के बीच में बसेस चलती हैं, मतलब उसका रूट दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट। मतलब इसने बता दिया हमें फॉर एन एग्जाम्पल कि हरियाणा और दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सीटिंग कैपेसिटी फॉर ईच बस, एक बस की सीटिंग कैपेसिटी 40 पैसेंजर्स हैं, मतलब एक बस में 40 सीट्स हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 40 पैसेंजर्स। द वर्किंग डेज आर 25 इन अ मंथ। वो बस 25 दिन चलती है एक महीने में, मतलब 5 दिन वो बस ऑफ पे रहती है एक महीने में। पैसेंजर किलोमीटर आपको कंप्यूट करना है, पैसेंजर किलोमीटर फॉर अ मंथ बी फॉर ईयर। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को नोट करें अपनी कॉपी में, सो डेट यू कैन रिकॉल वेन एवर यू रिक्वायर टू रीटेक द कॉन्सेप्ट्स, राइट। सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे होगा। हमको क्या निकालना है, पैसेंजर किलोमीटर। लेट मी राइट हियर कंप्यूटेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बसेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज। मैं ये पार्ट ए के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ पहले, जहाँ पर मुझे एक महीने के लिए पैसेंजर किलोमीटर निकालने हैं। नंबर ऑफ बसेस नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज मल्टीप्लाई बाय 2। मैं बताऊँगा मल्टीप्लाई बाय मैंने 2 क्यों करा है। हाँ तो एक महीने के लिए निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। आप इसको 2 ना लिख के ऐसा कर लीजिए कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रिप्स। चलिए अब इसको बात को हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या है, दिल्ली है और वो जा रही है हरियाणा तक और फिर हरियाणा से दिल्ली वापस आएगी, राइट। ये रास्ता कितने किलोमीटर का है, 50 किलोमीटर का। ये 50 किलोमीटर का, जब जाने का 50 किलोमीटर का है तो आने का भी 50 किलोमीटर सर्टेनली होगा। चलती कितने पैसेंजर्स के साथ में है, 40, तो आते भी कितने पैसेंजर के साथ में होगी, 40, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को निकालना है पैसेंजर किलोमीटर। हम लोग क्या करेंगे कि बस कितनी है, सबसे पहले तो आप 4 बसेस लिखिए कि मेरे पास 4 बसेस हैं। कितने दिन चलती हैं, 25 दिन तक चलती हैं, एक महीने में 25 दिन तक, क्योंकि मुझे एक महीने में पूछा गया है इसमें 25 लिख रहा हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज इन अ मंथ 25 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर 50 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2। देखो उसने डिस्टेंस कितना कवर करा है, उसने डिस्टेंस कवर करा है 100 किलोमीटर, राइट। 50 नहीं 100, क्योंकि 50 हो गई 50 हो आई, तो बस ने कवर कितना करा, 100 किलोमीटर। कितने आप देखो यहाँ पे 100 तो ये हो गया और 50 मैं 100 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 2,
इट कम्स एज 10,000 किलोमीटर। ठीक है, 10,000 किलोमीटर ये हमारी जो बस है वो चलती है। इसमें मल्टीप्लाई आप करोगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरीड, आप इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट फॉर अ बेटर बोल सकते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग, आई हैव मल्टीप्लाइड इट हियर। तो आप 10,000 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से, इट कम्स एज 4 लाख। फोर लैख पैसेंजर किलोमीटर इस बस का एक महीने का है ये, राइट। आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैंने यहाँ पे कैसे करा है। आप एक बार फिर से इस चीज़ को देख सकते हो अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले नंबर ऑफ बसेस लिखी यहाँ पे, नंबर ऑफ बसेस मेरे पास में 4 हैं। 4 को मैंने देखा कि बसेस 4 हैं अगर, तो 25 दिन में कितना चल पाएंगी, तो 4 को मल्टीप्लाई करो 25 से, तो मेरे से लिए आता है 100। और एक बस 50 किलोमीटर चलती है एक ट्रिप में, इट इज़ अ राउंड ट्रिप, राइट। क्योंकि इसने बोला है कि अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग फॉर बिजनेस बिटवीन दिल्ली एंड हरियाणा, इट इज एम्प्लाइड दैट इट रन फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, हरियाणा टू दिल्ली। सर्टेन सी बात है, जो दिल्ली से हरियाणा जाएगी तो हरियाणा से वापस भी तो आएगी। डिस्टेंस कवर्ड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रिप्स मल्टीप्लाई बाय पैसेंजर्स कैरीड, पैसेंजर 40 का रहे हैं, तो ये मेरे पास में आया एक मंथ का। कितने कितने का? एक मंथ का, राइट। आप इससे सोल्यूशन निकाल सकते हो, इसका सोल्यूशन नंबर बी इसके अंदर क्या होगा, ये आपका एक मंथ का है, ठीक है। नंबर ऑफ बसेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड, ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज देख सकते हो आप इन अ ईयर। अब बात किसकी आ जाती है, ईयर की, क्योंकि आपको एक साल का निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पे ईयर लिख रहा हूँ। डिस्टेंस कवर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रिप्स मल्टीप्लाई बाय पैसेंजर कैरिड, मैंने सब चीज़ एक साथ ही कर दी। नाउ यू हैव टू कंप्यूट इट, 25 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12। लेट्स कंप्यूट इट फर्स्ट, देखते हैं कितना आता है यहाँ से। अड़तालीस लाख किलोमीटर बैठता है हमारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर सम के अंदर। कंपटीशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर हमने यहाँ पे देखा, एक नॉर्मल केस था ये। अब मैं यहाँ पे एक एडिशन और करना चाहूँगा आपके लिए, अगर आपको ये सम समझ में आ गया हो कि मैंने ईयरली भी निकाला है और मंथली भी निकाला है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप मंथली निकालना चाहते हो या फिर ईयरली निकालना चाहते हो, अल्टीमेट आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। क्योंकि आप अगर 4 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो 48 आएगा, और 48 को डिवाइड करोगे 12 से तो 4 लाख आएगा। इट इज बेसिकली टू वेरीफाई द योर आंसर विद अ मंथली और ईयरली यू कैन डू दीज थिंग्स, राइट। तो आप वेरीफाई भी यहाँ पे कर सकते हो कि आपका साल का आंसर और महीने का आंसर सेम ही आना चाहिए। बिकॉज क्या है कि यहाँ पे बस 12 जो एक फैक्टर है, 12 एक महीने को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो एक साल का आ जाएगा, वो फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। चलो यहाँ तक की बात हुई। अगर मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूँ कि द सीटिंग कैपेसिटी इज 50, अगर मैं इसको 50 कर दूं तो सिंपल है कि यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी 50 हो जाएगी। अगर तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी 50 से करूंगा, देन इट विल बी 5 लाख, और देन इट विल बी 60 लाख। ठीक है, तो मैं अगर छोटी सी चीज़ चेंज करता हूँ तो पूरा चेंज हो जाता है। खैर के लिए ये 4 लाख ही है और ये 48 है। अब द सीटिंग कैपेसिटी इज 40 एंड स्टैंडिंग कैपेसिटी इज 10। मतलब क्या बोल रहा है कि आप बैठ के जा सकते हैं, मतलब सीट 40 है लेकिन 10 लोग खड़े होके भी जाते हैं। तो देखो पैसे तो आप उनसे भी लोगे ना, उन 10 लोगों से भी लोगे टिकट जो खड़े होके जा रहे हैं, और सेम ही अमाउंट का टिकट लोगे।
तो यहाँ पे क्या बात है, अब आपके टोटल पैसेंजर 50 हो गए, देन अगेन ये 5 लाख हो जाएगा और ये 60 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक एलिमेंट में यहाँ पे और ऐड कर दूँ अगर आपके लिए, द ऑक्यूपेंसी रेट इज 80%। मतलब क्या है इसका, कि मतलब आपकी बस की कैपेसिटी का 80% ही लोग भर के जाते हैं, मतलब 20% बस खाली जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आप पैसेंजर किलोमीटर निकालते टाइम क्या 80% को कंसीडर करोगे, 100% कैपेसिटी को कंसीडर करोगे? टेक अ वाइल, थिंक फॉर इट। मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन समझिए। मैंने बोला कि मेरी एक बस है जो बेसिकली दिल्ली से हरियाणा के बीच में चलती है, 50 किलोमीटर का उसका रूट है, राइट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एज एन, आप जो भी समझ सकते हो डिसीजन मेकर हो आप मुझे बताओ, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपने पढ़ी है, आप मुझे बताइए कि क्या होगा यहाँ पे रिजल्ट। तो मैंने आपको बोला कि मेरी एक बस है जो दिल्ली से हरियाणा के बीच में चलती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, 50 किलोमीटर का उसका रूट है, उसकी कैपेसिटी 50 लोगों की है, जिसमें से 40 सीटिंग कैपेसिटी है, 10 स्टैंडिंग कैपेसिटी है। बट मेरी जो 50 की कैपेसिटी है ना, वो पूरी नहीं भरती बस, मैं जनरली ऐसा देखता हूँ कि 80% ही भरती है, नॉर्मली देखा जाता है कि 80% भरती है, 20% और खाली ही जाती है। तो मुझे आप बताइए कि पैसेंजर किलोमीटर में कितना चार्ज करूँ, मतलब लोगों से मैं कितना पैसा चार्ज करूँ, पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से लोगों से पैसा चार्ज होगा ना। तो मुझे आप बताइए, पैसेंजर किलोमीटर आप 100% कैपेसिटी पर निकालोगे या 100% कैपेसिटी पर ना निकाल के 80% पर निकालोगे? तो मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, बेसिकली 1 2 3 इट्स ओवर नाउ। तो आप बेसिकली 80% पे ही निकालोगे, क्योंकि जितनी कैपेसिटी है आप उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपकी बस खाली है तो आप पैसे लोगे किससे, ठीक है? ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरी बस में एक ही बच्चा बैठा है तो आप उससे सारे पैसे ले लो, इज इट पॉसिबल? मान लीजिए पूरी बस खाली है तो आपकी टिकट 5 रुपये से बढ़ा के 5,000 रुपये कर देगा, क्योंकि पूरी बस में अगर 100 लोग होते तो 5,000 रुपये बैठते, या जो भी 500 बैठते, 5,000 बैठते, 1,000, जो भी आपको टिकट मान सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ना कि वो आपसे सारे पैसे चार्ज नहीं कर सकता, ही विल ओनली चार्ज द टिकट अमाउंट दैट इज नॉर्मली अमाउंट, राइट। बस भरिए खाली, उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो आप जैसे नॉर्मली देखते हो वैसे यहाँ पे भी होगा, अगर बस खाली है तो आप पैसे नहीं ले सकते, उस हिसाब से आपके किलोमीटर भी कम हो जाएंगे। क्या बस कम चलेगी पैसेंजर कम होने से? नहीं, बस तो उतना ही चलेगी मेरे भाई, हम पैसेंजर किलोमीटर की बात कर रहे हैं कि उसने पैसेंजर कितने कैरी करे 1 किलोमीटर में, याद रखना मीनिंग पैसेंजर किलोमीटर की, 1 किलोमीटर उसने कितने पैसेंजर कैरी करे वो तो बदल जाएगा, क्योंकि पैसेंजर की मात्रा अब कम हो गई है, बस उतना ही किलोमीटर चलेगी। तो देखो अगर ऑक्यूपेंसी रेट 80% है, तो जो उसने नंबर ऑफ पैसेंजर कैरी करे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 80 डिवाइड बाय 100 से, क्योंकि उसने सारे पैसेंजर कैरी नहीं करे हैं, तो 50 का आप 80% निकालोगे तो 40 आता है। अगेन द आंसर विल बी सेम, क्योंकि मैं 50 की कैपेसिटी यहाँ पे ले रहा हूँ, तो 80 मेरा मतलब आंसर ए आएगा, 48 लाख। कितनी परसेंट कैपेसिटी पे है ये 80% कैपेसिटी पे है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स वेरी वेल, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो ये ऑक्यूपेंसी रेट कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि ऑक्यूपेंसी रेट, मैं आपको होमवर्क एज एन होमवर्क देता हूँ कि आप इसी क्वेश्चन को करके देखना एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर डिस्कस करेंगे। 80%, 75%, 70% एंड 50%, आप ये तीन कंडीशंस अप्लाई करके देखना और देखना फिर आपका रिजल्ट क्या आता है, राइट। तो आज हमने देखा कि पैसेंजर किलोमीटर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एक नॉर्मल केस में, एक नॉर्मल M5 में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर करें जहाँ पे आपको पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर एज वेल। देखो ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ये पेपर में नहीं पूछा जाता अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड सोच रहे हैं, लेकिन ये याद रखना कि ये एक स्टेप है। जैसे आपने कॉस्ट शीट देखी थी ना, आपको कॉस्ट शीट पूरी बनानी है, उसके अंदर ये पार्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी कैलकुलेट करना है, कॉस्ट शीट के आइटम भी कैलकुलेट करने हैं। तो आप इसको सीखिए पहले, फिर हम लोग कॉस्ट शीट की तरफ बढ़ते हैं, राइट। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, ये थी हमारी वीडियो नंबर 4। देखते रहेंगे ऐसी और भी वीडियो जो भी हमारी आएंगी, ठीक है, आने वाली, और उसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे बाकी का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स विच आर नीडी वन, हु आर नीडी वन बेसिकली, जिनको इस वीडियोज़ की जरूरत हो सकती है, चाहे वो कोई भी कोर्स में अपने एंगेज हों, चाहे वो एक सीए का बच्चा हो या सीएमए का बच्चा हो, बेसिक्स सबके ज़रूरी होते हैं, बीकॉम हो या कोई से भी ऐसे सब्जेक्ट जिसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग पर्टिकुलरली वो स्टडी कर रहे हैं। तो आई इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट डेट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो डेट आई कैन कम्प्लीट माई एम टू शेयर माई नॉलेज विद मोस्ट बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैं शेयर कर सकूँ इस नॉलेज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय।